Good morning, class first. Today your grammar test. So all the best for your test. This is your test. बेटा अपनी कॉपी में आप लिखिए सबसे पहले फर्स्ट यूनिट टेस्ट, देन आपकी क्लास क्लास फर्स्ट, आपका सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, उसके बाद आएगा आपका नाम। आज 27 डेट डालिए, फिर आपकी ये है 25 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट पेपर है। ओके, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन क्या करने हैं, अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि सारे क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका फिल इन द मिसिंग वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन द गिवन वर्ड्स। आपको इसमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों ही लिखने हैं। आपको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट पता है वो क्या होते हैं, आपको इन फ्लैंक्स में भरने हैं, और ये आपका है 10 नंबर का। ये आपको दिए भी 10 तक है, यानी कि एक वर्ड के लिए आपका 1 मार्क्स है। ओके, अब जैसे कि ये है फर्स्ट है, आपके यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे क्या आएगा, बी और डी के बीच में क्या आएगा, एस और एन के बीच में क्या आएगा, ए पी से पहले क्या आएगा, ए आर से पहले क्या आएगा, ओ जी से पहले क्या आएगा। फिर सिक्स्थ वाले में एच डैश टी, सेवन एफ डैश एक्स, टी डैश पी डैश ई टी, टेन बी डैश एस, ये आपको ब्लैंक करने हैं। ओके, क्वेश्चन टू है मेक अ वर्ड विथ ईच सेट ऑफ अ लेटर, ये आपके 5 मार्क्स के हैं और आपको 5 भी दे रखे हैं, यानी कि एक के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे, 1 के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो आपको ये अलग अलग दे रखे हैं, आपको एक साथ लिखने हैं, ये आपको मैंने पहले भी बता रखा था, आपको अलग अलग दे रखे हैं, कॉमा करके दे रखे हैं, आपको इनको साथ में लिखना है। ओके, नाउ टर्न योर पेज, ये देखिए बेटा रीअरेंज द लेटर्स, ये 5 हैं और आपको 5 ही दे रखे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। आपको रीअरेंज करना है, ये लेटर्स दिए गए हैं, ये आगे पीछे हैं, आपको सही करके यहाँ पे भरने हैं, ये लेटर्स आगे पीछे हैं, आपको सही करने हैं। सही करके देखेंगे तो यहाँ पे एक वर्ड बन जाएगा, मीनिंगफुल वर्ड है, उसको आप लिखेंगे, रीअरेंज करके सही करेंगे इनको। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है बेटा अंडरलाइन द नेमिंग वर्ड्स इन दीज सेंटेंस, 5 मार्क्स का ये आपका टेस्ट है और 5 ही दे रखे हैं, यानी कि 1 क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको नेमिंग वर्ड मैंने बताया था, नेमिंग वर्ड क्या होते हैं, किसे कहते हैं नेमिंग वर्ड, तो आपको नेमिंग वर्ड में क्या करनी है, अंडरलाइन। फर्स्ट है द कैट इज़ ऑन द वॉल, सेकेंड है द गर्ल हैज़ अ डॉल, थर्ड अ गॉट इज़ ईटिंग ग्रास, फोर्थ मदर इज़ कुकिंग, और फिफ्थ द कारपेंटर इज़ मेकिंग अ स्टूल, यानी कि आपके पास फिफ्थ दे रख 5 तक दे रखे हैं मैंने, फिफ्थ दे रखे हैं, और आपके मार्क्स भी 5 नंबर का ही आपका ये मार्क्स है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है यूनिट टेस्ट। जब आपका ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा बच्चा, तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स की हेल्प से इसकी पूरी पिक्चर क्लिक करेंगे। आप जितने पेज में आपका ये आएगा, आपका टेस्ट आएगा, उसको क्लिक करके ये सेंड योर पिक्चर ऑफ आंसर सीट, अपने आंसर सीट की पिक्चर आपको क्या करनी है, इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देनी है। ओके, एंड ऑल्सो रिप्लाई ऑन स्कूल ऐप, और कहाँ भी सेंड, दोबारा कहाँ सेंड करना है, हमारे जो स्कूल ऐप जो बन रखा है उस पे भी आप इसको सेंड कर सकते हैं। तो आप अपना काम नीट एंड क्लीन करिएगा। ओके,